मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ अक्टूबर फिल्म के बारे में। वरुण धवन की सबसे हटकर फिल्म थी ये और बनीता संधु साथ में उनकी उनकी नजर आई थी, उनकी भी पहली फिल्म थी। बनीता संधु को बहुत ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला था लेकिन फिर भी एक अच्छी फिल्म, अच्छा रोल किया था उन्होंने। एनीवेज चलिए कलेक्शंस की बात करते हैं। 9 दिन का क्या आंकड़ा हुआ है तो आपको बता दूं, पहले हफ्ते में 30.24 करोड़ इस फिल्म ने कमाए थे और दूसरे हफ्ते में अगर आप देखें दूसरे फ्राइडे में इसने 1.89 करोड़ की कमाई की है और दूसरे सैटरडे को इसने 3.42 करोड़ की कमाई की है। यहाँ पे आपको साफ साफ बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक का ग्रोथ कम से कम अगर आप देखो तो बहुत बढ़िया ग्रोथ नजर आ रहा है। ये 75 से 80% तक का ग्रोथ नजर आ रहा है फ्राइडे सैटरडे की कंपेयर करें तो ये दर्शाता है फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं और लोगों के पास बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस नहीं है फिल्म देखने के। और मे बी ये भी रीजन हो सकता है, आईपीएल भी चालू है तो 35.55 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिया। कहा जो आता है कि 30 करोड़ तक ये फिल्म का बजट है लेकिन हाँ ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है। आजकल डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर जो भी है या ऑफिशियल किसी फिल्म का जो कितना बजट है वो नहीं बताते, यशराज फिल्म्स या कुछ ही और फिल्म्स बताते हैं, लेकिन हाँ प्रोड्यूसर्स को बताना चाहिए क्योंकि इससे हमें थोड़ा एनालाइज करने में क्लियर होगा। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं 30 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 35 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 45 करोड़। भाई 45 करोड़ से मैं कहीं पर भी कतई भी एग्री नहीं हूँ लेकिन 30 करोड़ मैं मान के चलो स्टार्टिंग में जहाँ तक मैंने सुना था तो इसलिए मैं उसी को पकड़ के चला। मे बी 35 करोड़ भी हो सकता है, अगर 35 करोड़ भी रहा तो उसने बजट रिकवर कर लिया। लेकिन हाँ ये फिल्म एक बड़ी हिट नहीं होगी, ये फिल्म अगर रहेगी तो एवरेज रहेगी या बिलो एवरेज रहेगी, लेकिन हाँ इसे फ्लॉप फिल्म तो आई थिंक नहीं करार दिया जाएगा जहां तक मुझे लगता है। एनीवेज जो भी इसके फाइनल अपडेट्स आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये फिल्म चल रही है और जिस हिसाब से फिल्म जा रही है ऐसा लग रहा है कि 40 से 42 करोड़ आराम से कमा लेगी अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय।